नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरु धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी का पेशेंट घरेलू नुस्खे अपनाकर किस प्रकार से अपना क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकता है। छोटे छोटे नुस्खे होंगे, छोटी छोटी टिप्स होंगी, जैसे अगर किडनी का पेशेंट करता है तो देखता है कि उसकी किडनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्रिएटिनिन हमारी मांसपेशी में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको शरीर से बाहर जाना होता है, मगर किडनी की काम ना करने की वजह से होता ये है कि वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको किस तरह से कम करें, आइए देखते हैं। क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी भी टाइप की विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मगर किडनी के पेशेंट के लिए एक मुसीबत वो लेकर आ सकती है। अगर एक किडनी का पेशेंट एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो उसकी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट यानी क्रिएटिनिन शरीर में पैदा होता है। उसकी वजह से किडनी पर दबाव भी पड़ता है और शरीर के अंदर किडनी लेवल बढ़ना शुरू होते हैं। तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं हमारे, हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर से ज़्यादा ना करें, किसी भी टाइप की विग्रेस एक्सरसाइज ना करें, मसल्स को रेस्ट पर रखें जिससे कम से कम किडनी आपके शरीर में पैदा हो सके। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ऐसा कुछ नहीं खाना जो कि क्रिएटिनिन को पैदा करे। क्रिएटिन एक ऐसा फूड सप्लीमेंट होता है जो आम ड्रग स्टोर्स में मिल जाता है, इसे बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं अपनी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए, मगर जब ये यूज़ नहीं होता तो ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएटिन कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में जब वो मांसपेशी से यूज़ नहीं होता। तो आपने किसी भी टाइप का क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लेना, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रोटीन को खाने में कंट्रोल रखना। जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हुए देखे गए हैं। ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि अगर आप अपने एग्स पे कंट्रोल करते हैं, सोयाबीन हो गया, नॉनवेज हो गया, इन प्रोटीन आइटम पर आप कंट्रोल रखते हैं तो देखते हैं कि आपके जो क्रिएटिनिन लेवल है वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, अपने डाइट में से आपने प्रोटीन की आइटम निकाल देनी है, चाहे वो एग्स हैं, मिल्क है, सोयाबीन है, नॉनवेज आइटम है, फिश है, चिकन है। इस चीज़ को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। जब हम खाने में से प्रोटीन को निकालते हैं तो वहाँ में हमें कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जो हमारे पेट को भर दे। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में आप फाइबर लें। फाइबर आपके पेट को भर देगा, आपको एक फीलिंग देगा कि आपका पेट भर गया, आपको भूख नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं पैदा होगी और आपका क्रिएटिनिन लेवल भी कंट्रोल में रहेंगे। फाइबर किन चीज़ों में होता है अब हम ये जान लेते हैं। फाइबर आपकी हर सैलेड के अंदर होता है, जितनी भी आपकी सैलेड्स हैं उसके अंदर आपको फाइबर अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। तो आपने प्रोटीन को हटाना है और अपनी सैलेड्स पर ध्यान देना है जिससे आपका पेट भरे, शरीर को ताकत मिले, किसी टाइप की कमजोरी ना आए और आपके क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में बने रहें। पानी की सही मात्रा क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपने कितना पानी पीना है अपने लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक किडनी का पेशेंट चीटोसैन डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ कर सकता है। चीटोसैन का प्रयोग वर्ल्ड वाइड में कोलेस्ट्रोल और वेट को कंट्रोल करने में किया जाता है। इसका यूज़ जब किडनी के पेशेंट में किया जाता है तो देखा ही जाता है कि किडनी लेवल्स को लो करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, आप चीटोसैन यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार उसको ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब हम बात करेंगे सबसे कारगर तरीके के बारे में जिससे आप अपना क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो कि डायुरेटिक्स होती हैं। डायुरेटिक का मतलब होती है कि वो पेशाब की फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। ये जड़ी बूटियां, ये हर्ब्स एक किडनी के पेशेंट के लिए संजीवनी साबित होती है, क्योंकि वो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए किडनी यूरिया लेवल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जो पेशेंट्स की डायलिसिस शुरू नहीं हुए हैं वो डायलिसिस से बचते ही हैं, और जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है, ऑलरेडी डायलिसिस करवाते हैं हफ्ते में दो बार एक बार, तो वो देखते हैं कि उनके डायलिसिस की ज़रूरत कम पड़नी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये एडवाइस रहता है अपने पेशेंट्स को, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को शुरू कीजिए, साइड बाई साइड जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं उनको भी कंटिन्यू कीजिए, और दोनों के ही यूज़ से आप देखेंगे कि आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो काफ़ी अच्छी सुधर जाती है। पेशेंट डायलिसिस जैसे पेनफुल प्रोसेस से बचता है और आने वाली फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से भी काफ़ी हद तक
वो बच जाता है। इसी टाइप की और किडनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी ऐप किडनी केयर को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रख सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स किडनी के पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देते हैं। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर डॉक्टर के साथ अपनी कंसल्टेशन को फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।